फ्रेंड्स, ये वीडियो बेसिकली पार्कर सोलर प्रोब के वर्किंग के बारे में एक छोटी सी समरी है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया पार्कर सोलर प्रोब के बारे में, जिसमें मैंने आपको पार्कर सोलर प्रोब का ओवरव्यू दिया है। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पेस इन्फिनाइट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब को बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए सन की तरफ भेजा गया, ताकि वो सन के बारे में हर जरूरी से जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल सके। उनमें पहली चीज है सोलर प्लाज्मा और सन के मैग्नेटिक फील्ड को बारीकी से समझना। पार्कर सोलर प्रोब का दूसरा मेन काम है सन के कोरोना में एनर्जी फ्लो को एक्यूरेटली मेजर करना। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स जो सन के कोरों का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उनका मैकेनिज्म समझना। अब बात करते हैं कि आखिर पार्कर सोलर प्रोब सन की इतनी तेज़ गर्मी से कैसे बचा रहेगा और अच्छे से काम कर पाएगा भी कि नहीं, क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए सन के आसपास सही से काम करना तो दूर, बल्कि बचे रहना भी बहुत ही नामुमकिन लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, पार्कर सोलर प्रोब ना केवल बचा रहेगा बल्कि सही से काम भी कर सकेगा, क्योंकि फ्रेंड्स, पार्कर सोलर प्रोब पर एक सोलर शील्ड लगाई गई है जो कि कार्बन कार्बन कंपोजिट से तैयार की गई है, जो कि 1370 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी बहुत आसानी से सह सकती है। अगर इस शील्ड के डायमेंशंस की बात करें तो इस शील्ड का डायमीटर करीब 2 से 3 मीटर है और इसकी थिकनेस लगभग 11.4 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स, स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को पार्कर सोलर प्रोब के शील्ड के बिल्कुल सेंटर में पीछे फिट किया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स, जो शील्ड होगी वो सिर्फ प्रोब के सोलर फेसिंग साइड पे होगी, यानी कि उस साइड पे होगी जिस साइड से जो प्रोब होगा वो सन को फेस करेगा। फ्रेंड्स, क्योंकि सन का डिस्टेंस अर्थ से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, इसलिए रेडियो कम्युनिकेशंस को प्रोब तक पहुंचाने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाएगा, और प्रोब को सन की गर्मी से बचे रहने के लिए लगातार अपना डायरेक्शन चेंज करते रहना होगा, ताकि उसका शील्ड हमेशा सन के सोलर फेसिंग साइड पे रहे और पीछे के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो ठीक से काम करते रहे और बचे रहे सूरज की तेज गर्मी से। इसीलिए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इस प्रोब को इतना ज़्यादा ऑटोनोमस बनाया है कि ये अपने आप को आसानी से कंट्रोल कर सकता है और अपनी डायरेक्शन बहुत ही आसानी से चेंज करते रह सकता है। फ्रेंड्स, पार्कर सोलर प्रोब आज तक का सबसे ज़्यादा ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट भी माना जा रहा है। दोस्तों, ऑटोनोमस का मतलब है कि ऑटोमेटिकली काम करने वाला। दोस्तों, इस प्रोब के जो मेन पावर सोर्स होंगे वो होंगे सोलर पैनल्स, जो कि बहुत ही कम समय के लिए सन को फेस करेंगे, क्योंकि अगर ये बहुत टाइम तक बाहर रहे तो फिर सन की इंटेंस हीट एनर्जी से ये बुरी तरह जल सकते हैं। साथ ही इन सोलर पैनल्स में पंप्ड कूलिंग का भी यूज होगा, ताकि इनका टेम्परेचर लगातार मेंटेन रहे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्पेस रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए स्पेस इन्फिनाइट।